अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, आधा किलो टमाटर लिए हैं, इसके मैंने छिलके उतार दिए, 6 हरी मिर्ची है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची हसबी ज़रूरत, नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसे फास्ट चूल्हे में पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी चिकन हो गई है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन है वो डाल दूँगी इसके अंदर, और जो हमारा मसाला था वो डाल दूँगी इसके अंदर, और जो टमाटर हैं और हरी मिर्ची हैं वो डाल दूँगी इसके अंदर। इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं दरमियानी आँच में रख दूँगी 15 मिनट के लिए, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और अपना पानी भी टमाटर अभी छोड़ूंगी। ये देखिए टमाटर गल गए हैं और टमाटर ने पानी भी छोड़ा हुआ है। मैं और इसको फास्ट चूल्हे में रख के इसको पकाऊंगी और चिकन हमारा गल चुका है, मैं इसका फास्ट चूल्हा कर दूंगी जिससे अच्छे से ड्राई हो जाए रस। इसका रस ड्राई हो चुका है और ये देखिए मज़ेदार हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। देखिए हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार है, आप लोग इसे बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।